हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में डंकी थिएटर में रिलीज हो गई है और थिएटर के बाहर सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। फिल्म डंकी सिनेमा घर में रिलीज हो गई है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए जुड़े फैन का उत्साह देखने लायक है। थिएटर के बाहर सेलिब्रेशन का माहौल है। मुंबई के गेटी गैलेक्सी थिएटर के बाहर शाहरुख खान का एक ग्रैंड कट आउट लगाया हुआ दिख रहा है। आतिशबाजी का भी बढ़िया इंतजाम किया गया है। थिएटर में शाहरुख खान की एंट्री पर लोग सीटियां बजाकर नाच रहे हैं। फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। शाहरुख खान की यूनिवर्स फैन क्लब नाम का एक पेज देश के अलग अलग कोने से जश्न के फोटो वीडियो शेयर कर रहे हैं। गेटी गैलेक्सी में पहला शो सुबह 5:55 बजे का था। थिएटर के बाहर सुबह सुबह बहुत फैन ने जिस तरह से शाहरुख खान की फिल्म का स्वागत किया है, वो नज़ारा देखने लायक था। एक जगह पर फैन डंकी के झंडे लेकर ढोल नगाड़े पर नाचते दिख रहे थे। एक यूजर ने थिएटर के अंदर फिल्म के लुटपुट गाने पर ऑडियंस का रिएक्शन शेयर किया है। गाने पर फैन अपनी सीट पर चढ़कर यानी उछल उछल कर नाचते हुए दिख रहे थे। बता दें, डंकी में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू, बबन हिरानी, विकी कौशिक, रितम कोचर, अनिल ग्रोवर, धर्मेंद्र जैसे एक्टर ने काम किया है। इस फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कहानी सन 1995 के पंजाब में सेट है। हड्डी नाम का एक नौजवान और उनके चार दोस्तों को लंदन जाना है, लेकिन अंग्रेजी ना बोल पाने के चलते वे कानूनी तरीके से जाने योग्य नहीं पाए जाते हैं। अब लोग डंकी फ्लाइट नाम के गैर कानूनी तरीके से लंदन पहुंचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कई परेशानी आती है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू, विकी कौशिक और बबन ईरानी दिखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।